जिनको पाकिस्तान से वर्क का कहा जाता है कि वर्क वीजा है, जब यहाँ पर आती है तो विजिट वीजा होता है, तो उन सबको मैं एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ एज ए ब्रदर, मैसेज भी अगर समझते हो मैसेज समझो, अगर इसे दम की समझते हो तो दम की भी समझ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपके साथ गुलाब खान। आप लोगों ने आजकल मेरे वीडियोस देखे होंगे, ज़्यादातर वर्कर्स के लिए मैं बना रहा हूँ जिनके साथ यहाँ पर धोखे हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। तो जिनको पाकिस्तान से वर्क का कहा जाता है कि वर्क वीज़ा है, जब यहाँ पर आती तो विजिट वीज़ा होता है, तो उन सबको मैं एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ एज ए ब्रदर, मैसेज भी अगर समझते हो मैसेज समझो, अगर इसे दम की समझते हो तो दम की भी समझ सकते हो। इसे जितने भी पाकिस्तानी वर्कर्स के साथ यहाँ पर जुल्म हो रहा है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें तनख्वाह टाइम से नहीं दी जाती, खुदा रहा ये अपने घरों से इस उम्मीद से आई हुई है कि हम यहाँ पर पैसे कमा के अपने खानदान को सपोर्ट करेंगे। ज़्यादातर 100 में से 99% लोग जो है वो कर्ज पैसे लेके आए हैं यहाँ पर, कर्ज वह पाकिस्तान में यहाँ कर्ज लेके यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आके कोई काम नहीं होता, वैसे घूमते हैं किसी किसी के साथ भी। हाँ कुछ लोग हैं हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन ज़्यादातर जो है इस तरह जुल्म कर रहे हैं उन पर, उन्हें मारा जाता है। मैं फिर भी कहता हूँ कि उन्हें मारा जाता है, उन्हें तनख्वाह टाइम से नहीं दिया जाता, ज़्यादातर जो है वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, वो अभी घर में भी नहीं बता सकते कि हम क्या करें। तमाम कॉन्ट्रैक्टर साहिबान के नाम मेरा ये आज पैगाम है कि खुदा रहा इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन आप भी लें, इंशाल्लाह खुद पता चल जाएगा कि सख्त एक्शन क्या होता है। तो तमाम कॉन्ट्रैक्टर साहिबान के नाम मेरा ये पैगाम है कि अपने अपनी यूनिवर्सिटी, मुझे पता है काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बिजी होते हैं आप लोग, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस तरह कामों में, इलीगल कामों में बिजी होते हैं, इसकी वजह से आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी बदनाम होता है, आपका नाम भी बदनाम होता है और तमाम पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तान चले जाएंगे लेकिन आप लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनको समझाएं, क्योंकि फिर भी पाकिस्तानी हैं, उधर मुश्किल से कितनी माँ बाप ने कितनी मुश्किल से यहाँ पर भेजा होता है और ये गलत कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो काइंड खुदा रहा आपने अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह नोटिफिकेशन जारी करें कि जो भी स्टूडेंट्स इस तरह इलीगल कामों में मसरूफ़ हो तो उन्हें साइड पर किया करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ऐसा ना हो कि फिर सबको मसले हों। तो अब भी टाइम है इनको समझाएं, जितनी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, जो कोई भी हो, यूनिवर्सिटी खासकर यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्टर साहिबान के नाम मेरा ये पैगाम है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया भी जा रहा है, लेकिन आप लोग भी नोटिफिकेशन जारी करें इनके खिलाफ कि इस तरह स्टूडेंट जो है जस्ट वर्क छोटे मोटे काम कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने बड़े बड़े काम ना किया करें कि पाकिस्तान से धोखे से लाते और यहाँ पर स्टूडेंट वैसे फिर छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह हम पूरा कोशिश करेंगे, अपने पाकिस्तानी का साथ देंगे, जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम उठेंगे, और जो पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं उनके साथ कपड़ों का मसला है, रिटर्न आ रही है, उनके लिए हम बानो बेगम फाउंडेशन की तरफ से उनके लिए गर्म कपड़े हो गए, जैकेट्स हो गए, इस तरह पेंट शर्ट हो गया, जो कुछ भी है वो मुझसे रबीता कर सकते हैं, डॉक्टर विद कैमरा उनसे रबीता कर सकते हैं, तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री, एज ए ब्रदर मैं कह रहा हूँ। और फिर आखिर में फिर कहता हूँ, इसे अगर जो ये इलीगल काम कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप कंट्री इसी थ्रू पाकिस्तानी को भिजवाते हैं, तो उनको मैं इसे अगर आप एज ए ब्रदर मशवरा समझते हो या धमकी समझते हो, आपकी मर्ज़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।